करीब हो गया बीस पच्चीस दिन का होगा, बीस पच्चीस वैक्सीन लिया है, तबियत खराब लग रहा है, बहुत खराब। वैक्सीन के बाद बीमारी था पहले इसको? नहीं। वैक्सीन कब लिया है? तो अभी इसको खाना वाना बढ़िया खिलाओ, ठीक है? वैक्सीन से कोई परेशानी नहीं होता है, ठीक है? और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन लिया तबियत खराब है, ठीक किया हो एकदम ठीक हुई ना, ठीक हुई ना, सब सब होगा, सब सब ठीक ठाक होगा, ठीक गया, ठीक ठीक मरंगम तो हर की रोड में हो गए पूजा है, सब ठीक हो गए। राज्य सरकार ने जो ई पास लागू करने का निर्णय लिया है, मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं राज्य सरकार के डायनेमिक मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत जी से मैं मांग करता हूं कि ई पास जो आप लोगों ने लागू किया है उसको अति शीघ्र इसको रद्द कर दिया जाए। ई पास के कारण आज हमारी जनता को पुलिस मार रही है, दुला दुला कर पीट रही है, आवागमन पुलिस के बल पर सक्सेस नहीं हो सकता है। जब लोग स्वतः ही बंद हैं, स्वेच्छा से घर से नहीं निकल रहे हैं, तो उसके बाद ये कानून जो है लागू कर दिया गया है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं दोबारा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा इस पर पूर्ण विचार करें और ई पास जो है रद्द कर दिया जाए, ये हमें लगता है कि राज्य हित में होगा और जनता के हित में होगा। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।